हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्ध कुमार और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिद्ध मेंटर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिलिंड्रिकल टैंक और फर्स्ट टाइम आप कौन के वेट कैलकुलेशन के बारे में, जिसके बारे में हमारे एक व्यूवर ने जानकारी मांगी थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिलिंड्रिकल टैंक और फर्स्ट टाइम आप कौन को जब हम फेब्रिकेट करते हैं उस समय उसमें जो प्लेट लगता है उसका वेट निकालने के बारे में बताऊँगा। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई जानकारी मिस ना हो। चलिए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले सिलिंड्रिकल टैंक का वेट निकालते हैं। सिलिंड्रिकल टैंक में यूज होने वाले प्लेट का वेट निकालने के लिए इसे हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसका एरिया निकालेंगे। इसे पार्ट वन का एरिया है पाई बाय 4d², पार्ट टू का एरिया है पाई डी एच और पार्ट थ्री का एरिया है पाई बाय 4d². तीनों पार्ट के एरिया को जोड़ने से टैंक का टोटल एरिया निकल आएगा, जो इस प्रकार है पाई बाय 4d² प्लस पाई डी एच प्लस पाई बाय 4d². इस प्रकार हमें सिलिंड्रिकल टैंक में लगने वाले प्लेट का टोटल एरिया हमें पता चल गया। यदि टैंक का डायमीटर डी 9 मीटर है और इसका जो हाइट है वो 15 मीटर है, तो जब हम इस वैल्यू को फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा पाई बाय 4 × 9² प्लस पाई इंटू 9 × 15 प्लस पाई बाय 4 9² जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा 551107 मीटर स्क्वायर। यदि इसमें जो प्लेट लग रहा है वो माइल्ड स्टील का है और इसका जो थिकनेस है वो 20 mm का है, तो इसके आधार पर हम टोटल वेट पता कर सकते हैं। सिलिंड्रिकल टैंक के टोटल एरिया के आधार पर प्लेट का वेट निकाल सकते हैं। प्लेट का वेट निकालने के लिए फार्मूला है टोटल एरिया इंटू प्लेट थिकनेस इंटू डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील, क्योंकि हम यहाँ पर माइल्ड स्टील प्लेट का यूज़ कर रहे हैं जिसका डेंसिटी होता है 7850 kg/m³ या 7.85 mt/m³। जब इसे हम फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 55.07 जो कि हमारा टोटल एरिया है और प्लेट का थिकनेस यहाँ पर 20 mm है, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट किए हैं तो 20/1000 हो गया इंटू माइल्ड स्टील का डेंसिटी 7850 kg/m³। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आया है वो है 86517.99 kg। इसे जब हम टन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 86.518 मीट्रिक टन। सिलिंड्रिकल टैंक बनाने के लिए जब हम प्लेट को बेंडिंग मशीन में बेंड करते हैं तो प्लेट के दोनों एंड में लगभग 300 mm प्लेट एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, जो कि रोलिंग के दौरान रोलर्स के बीच में होल्ड करने का काम आता है। इस प्लेट का वेट निकालने के लिए एक फार्मूला है बी इंटू एल इंटू डेंसिटी इंटू प्लेट थिकनेस इंटू नंबर ऑफ प्लेट। जब इसे हम फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 0.3 जो कि प्लेट का विड्थ है और एल जो प्लेट की लंबाई है 15 मीटर है और अपना माइल्ड स्टील प्लेट का डेंसिटी है 7850 kg/m³। प्लेट का थिकनेस है 20 mm जिसे हमने 1000 से डिवाइड करके इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, और प्लेट क्योंकि 0.3 तो 300 mm का दो प्लेट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई किया है। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू आया 1413 kg। अब इस प्रकार हमारा जो टोटल वेट जो सिलिंड्रिकल टैंक बनाने के लिए टोटल वेट का रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, जो पिछले जो हमने एरिया के आधार पे जो निकाला था वो था 86517.99 प्लस जो एक्स्ट्रा प्लेट का वेट है और 1413 kg, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल वेट आया 87930.99 kg। इसको जब हम टन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा टोटल वेट आया 87.93 मीट्रिक टन। आइए अब हम कोनिकल हॉपर बनाने में लगने वाले प्लेट का वेट निकालते हैं। इसके लिए पहले हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। इसका फार्मूला है पाई एल आर प्लस आर, जहाँ पर एल इसका लेटरल लेंथ है जिसका वैल्यू होता है अंडर रूट h² प्लस r - r². इस प्रकार हमारा फार्मूला हो गया पाई आर प्लस आर अंडर रूट h² प्लस r - r². यदि हमारा जो टॉप साइड का डायमीटर 9 मीटर है और बॉटम साइड का डायमीटर 0.6 मीटर है और हमारा जो सेंटर हाइट है वो 15 मीटर है, तो इस बेसिस पे हम इस हॉपर का
जो प्लेट लगेगा उसे हम निकाल सकते हैं। तो हमारे जो यहाँ पे आर का वैल्यू हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 4.5 मीटर, और स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा 0.6 2 इज इक्वल टू 0.3 मीटर। जब इस वैल्यू को हम फार्मूला में पीट पुट करेंगे तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकल के आया 234.76 मीटर स्क्वायर। अभी हमने कोनिकल हॉपर का लेटरल सरफेस एरिया निकाला, अब हम हॉपर के टॉप प्लेट का एरिया निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर का वैल्यू है 4.5 मीटर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आया 63.585 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमारा कोनिकल हॉपर का टोटल एरिया हो गया 234.76 प्लस 63.585 मीटर स्क्वायर, जहाँ पर जो पहले लेटरल सरफेस एरिया का वैल्यू है 234.76 और टॉप वाले एरिया का वैल्यू है 63.585 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार टोटल एरिया हो गया 298.345 मीटर स्क्वायर। अब हमारा प्लेट का वेट निकालने के लिए इसमें हम प्लेट का थिकनेस और इसका डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आया 46840.165 kg। इसको टन में कन्वर्ट करने से हो गया 46.84 मीट्रिक टन। कोनिकल हॉपर बनाने के लिए जब हम प्लेट को बेंडिंग मशीन में बेंड करते हैं तो प्लेट के दोनों एंड में लगभग 300 mm चौड़ा प्लेट जोड़ देते हैं, जो कि रोलिंग के दौरान रोलर्स के बीच में होल्ड करने का उपयोग में आता है। इसका वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो लेटरल लेंथ है उसमें जो ये प्लेट का विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें प्लेट का थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद इसमें प्लेट का डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स जो है दो है उसमें दो का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब एच और आर का वैल्यू पुट करके जब हम फार्मूला में रखते हैं तो हमारा वैल्यू निकल के आया 1467.25 kg। ये हमारे एक्स्ट्रा प्लेट का वेट हो गया। इस प्रकार हमारे जो कोनिकल हॉपर बनाने के लिए जो प्लेट लगेगा उसका टोटल वेट हो जाएगा 46840.165 प्लस 1467.25। इसको जोड़ने से हमारा वैल्यू आया 48307.41 kg। इसको हम टन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ गया 48.30 मीट्रिक टन। हमने एग्जांपल में हॉपर वेट कैलकुलेशन के लिए माइल्ड स्टील प्लेट का यूज़ किया था। यदि हमें स्टेनलेस स्टील का प्लेट का हॉपर बनाना है तो फार्मूला में माइल्ड स्टील प्लेट के डेंसिटी के स्थान पर स्टेनलेस स्टील प्लेट का डेंसिटी रखना पड़ेगा। इसका डेंसिटी इस प्रकार है, स्टेनलेस स्टील ग्रेड 304 का डेंसिटी होता है 8000 kg/m³ आर 8.0 मीट्रिक टन/m³। उसी प्रकार स्टेनलेस स्टील ग्रेड 316 का डेंसिटी होता है 7990 kg/m³ आर 7.99 मीट्रिक टन/m³। आशा करता हूँ आपको हॉपर में लगने वाले प्लेट का वेट निकालने आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपकी 1% भी काम कर लेगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसे जानकारी ले सकें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे।